शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गहना बस कल सुबह तक का वेट करो। गहना की ना हाँ मैं कैसे बदलती, वो खुद सबके सामने कहेगी कि उसे हमसे शादी करनी है। मिल गई तुम्हें हाँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता क्योंकि गहना की शादी गहना तुम्हारी कभी नहीं होगी। गहना आंखें खोलो गहना। माता रानी मदद करो, गहना तेरा लाख लाख शुक्रिया। बेटा हम अभी आए, माता रानी को धन्यवाद कह के आते हैं, चलिए। भगवान का लाख लाख शुक्र है गहना, तुम ठीक हो। बोलो अंबे मात की जय। मुझे नहीं पता आप लोग माइंड कर रहे हो या नहीं, लेकिन जहां तक मैं देख पा रही हूँ, जब तक ये गहना इस गौरव के साथ है, हम इस गौरव का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। हमें वंश जी को बताना ही होगा कि वो हमारे पिता को लाचार और ढाल बनाकर हमें उनसे शादी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। 24 घंटे का टाइम है तुम्हारे पास, वरना हम किसी को भेज के तुम्हारे घर की कीमत पता करते हैं और नीलामी करवाते हैं। आपको गहना को मनाना पड़ेगा हमसे शादी करने के लिए। जितना पैसा चाहिए भर दीजिए चेकबुक में, हम साइन कर देंगे। इसे बाप है, आज हमें जो आप कह रहे हैं ना करने के लिए, वो कभी नहीं हो सकता। नीलामी करवाते हैं, आपको गहना को मनाना पड़ेगा हमसे शादी करने के लिए। वो कभी नहीं हो सकता। नीलामी करवाते हैं, इनको दूसरा हार्ट अटैक आया था। इनको कोई स्ट्रेस ना हो, केवल यही एक तरीका है इनकी जान बचाने का। और हाँ, इनकी सर्जरी करनी पड़ेगी।
वंश ही वो आदमी है जो हमारे इस घर को बचा सकता है, लेकिन उसकी एक शर्त है। वो चेक पर तभी साइन करेगा जब तुम उससे शादी के लिए राजी होगी। हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, वंश से शादी करने के लिए हाँ बोल दो। गौरव रहने दो, तू आराम से काम करना चाहिए ना गहना। आप एक मौका परस्त इंसान है, एक स्वार्थी इंसान है। आपकी मदद और कुछ नहीं बल्कि दिखावा है, ढोंग है। आपको क्या लगता है, आपको पता चल गया कि महेंद्र साहब हमारे पिता है तो आप उस बात का फायदा उठाओगे? हमने आपके सामने दोस्ती का हाथ क्या बढ़ाया, आप हमारी भावनाओं का नाजायज फायदा उठाओगे? चाहे कुछ भी हो जाए, हम आपसे शादी नहीं करेंगे वंश जी। आप ये जो शादी के सपने सजाए बैठे है ना हमारे साथ, शादी तो दूर, हम आपकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते हैं। शादी तो आप हमसे ही करेंगी गहना, और हाँ भी खुद ही बोलोगी, वो भी सबके सामने। हम बोल रहे हैं, तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। कोई है क्या घर पे? महेंद्र चौधरी बाहर निकल। ये क्या कर रहे हो आप लोग? सारा सामान आप ये सब क्यों कर रहे हो? ये सब क्या है पापा? अरे क्या बताए, कहा ना हमें जो कहा गया वो हम कर रहे हैं, हमारे काम के बीच में मत आना, समझे? अरे उठाओ, उठाओ, कोई डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। वंशी, वंशी, ये जो कुछ भी हो रहा है इसे अभी के अभी रुकवाइए। इन लोगों को घर से निकालिए, देखिए ना साहब जी की तबीयत खराब होती जा रही है, इन लोगों को कहिए यहाँ से चले जाएं। ये सब रुक जाएगा, बस मेरी शर्त मान लो। हम आपसे प्यार नहीं करते और शादी भी कभी नहीं कर सकते। हमने आपको पहले भी हाँ नहीं कहा, आज भी हाँ नहीं कहेंगे और आगे भी कभी हाँ नहीं कहेंगे शादी के लिए। रुक जाइए आप लोग, रुक जाइए, हम आप सबसे कुछ कहना चाहते हैं। वंशी प्लीज, पहले आप इन गुंडों को बाहर निकालिए। अरे आ जाओ, अभी निकलो, बाकी बात बाद में करते। अरे आ जाओ, क्या कहना चाहती हो गहना? हाँ गहना, क्या कहना है बताओ। हमने एक फैसला लिया है,
हम वंश जी से शादी करना चाहते। हम उनके इस रिश्ते के लिए हाँ कहते हैं। आप जानती नहीं कितने खुश हैं हम आज। आपने तो अपनी मन की बात कह दी, शादी की बात हम बता देते। सुनिए, कुछ कहना था आप लोगों से। हमारी और गहना की शादी आज से ठीक 5 दिन बाद होगी, दशहरे के दिन। वो सब तो ठीक है, लेकिन आधी रात में ये सब क्या हो रहा था? कौन थे ये लोग? महेंद्र जी के खिलाफ कोई चाल चल रहे थे, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है, अब ऐसा नहीं होगा, सब सॉर्टेड है। इतनी खुशी की बात आप लोगों को बताई, थोड़ा डांस तो बनता है ना? क्यों है ना? यकीन नहीं हो रहा है ना, जो हमने सोचा था उसे हमने पा लिया। हमारे लिए और गहना के लिए आप सभी एक फैमिली की तरह हैं। छोटी सी रिक्वेस्ट थी, इतना इम्पोर्टेंट दिन है हमारे लिए और गहना के लिए, तो हम चाहते थे कि इस पूरे घर को और गहना को दुल्हन की तरह सजा दिया जाए। क्यों नहीं बेटा, बिल्कुल। आज ही पंडित जी से बात करते हैं और शादी की तैयारी आप शुरू कर देते हैं। गहना, हमारे साथ चलो, हमें तुमसे बात करनी है। हाँ, आओ। यकीन ही नहीं हो रहा कि जिस घर में खुशियां थम सी गई थी उस घर में शादी होने वाली है। ये सब माता रानी की कृपा है। हम जानते हैं तुम्हारा अपना कोई नहीं है, लेकिन हम और महेंद्र जी तुम्हारे माँ बाप से कम नहीं। हम तुम्हारी शादी बहुत धूमधाम से कराएंगे, सारे रस्में पूरे करेंगे। ये सारी लो। तुम्हें पता है
जब उर्वशी पैदा हुई थी तब एक पीर बाबा ने ये सारी आशीर्वाद से दिया था और हमसे कहा था कि तुम्हारी दोनों बेटियों के लिए है। अब बताओ, किसे पता था कि तुम मेरी बेटी जैसी बनकर आओगी और ये सारी लोगी। गहना की शादी की तैयारी मैं करूंगी मां। देखो ना, तुमने शादी के लिए हाँ कर दी। घर में शादी होने वाली है ना, मजा आएगा ना उर्वशी दीदी। देखो ना गहना, श्रेया को भी मजा आएगा और तुम्हें तुम्हें भी तो मजा आएगा ना गहना। सच कहूँ तो तुमने शादी के लिए हाँ करके मुझे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा दिया है, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि मैं तुम्हें एक रिटर्न गिफ्ट दूँ। ये लो, ये हार ना मम्मी ने मुझे दिया था और अब तोहफे में ये मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। ये इतना बड़ा हार गहना को? ओ मम्मी जी, आपने तो हमें कभी कुछ नहीं दिया, जो भी दिया हमेशा उर्वशी दीदी को ही दिया है। तो अगर ये हार गहना को मिलेगा तो हमें भी एक हार चाहिए। श्रेया भाभी, आप एक काम करिए, ये हार आप ले लीजिए। हमें कोई जेवर नहीं चाहिए, हमारे लिए ये साड़ी सबसे कीमती है। लीजिए। बिल्कुल नहीं, बेटी और बहू में बहुत फर्क होता है श्रेया। ये मेरा हार है और मैं डिसाइड करूंगी कि ये किसे मिलेगा। शादी किसकी है श्रेया? शादी किसकी है? गहना की। तो फिर हार भी गहना को ही मिलेगा। जाइए। लोग बेटा, हम चले जाएंगे। दवा खाने के बाद हमें ठीक लग रहा है। तुम सब भी आराम करो, कल बहुत काम है। ख्याल रखिए। ये गहना ने क्या कह दिया? बस कल सुबह तक का वेट कर। गहना की ना हाँ में कैसे बदलते हैं? वो खुद सबके सामने कहेगी कि उसे हमसे शादी करनी है। हम वंश जी से शादी करना चाहते, हम उनके इस रिश्ते के लिए हाँ कहते हैं। बड़े साहब रुकिए। हाँ गौरव, क्या हो गया? बड़े साहब, आपको ये सब रुकवाना पड़ेगा। एक बात समझ लीजिए, वंश और गहना की शादी नहीं हो सकती है, कभी नहीं हो सकती। हमारा मन कहता है कि गहना ने ये फैसला जल्दबाजी में लिया है। वंश गहना के लिए सही लड़का नहीं है, वो उसे खुश नहीं रखेगा। देखो गौरव, सबसे पहले तो तुम शांत हो जाओ। तुम्हें वंश के बारे में कुछ गलतफहमी है। वंश बहुत अच्छा लड़का है, उसने हमेशा हमारी मदद की है और हमें नहीं लगता कि गहना को इससे अच्छा लड़का मिल सकता है। थैंक यू सो मच महेंद्र जी। गौरव, हम जानते हैं कि गहना तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है, तुम्हें उसकी बहुत फिक्र रहती है, तुम बहुत चिंता करते हो उसके बारे में। लेकिन क्या है ना, हम गहना से प्यार करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं, और बदले में हम कुछ मांग नहीं रहे। परेशान मत हो, बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे उसका। तो शादी की तैयारियां शुरू करो, तुम्हारे बचपन के दोस्त की शादी है, गहना की शादी है। जानते हो एक लड़की के लिए कितनी उम्मीद होती है उसकी शादी से, क्या क्या सपने देख लेती है लड़की। फिक्र मत करो और शादी की तैयारियां शुरू करो। और हाँ, ये वेडिंग प्लानर का नंबर है। इसे फोन करो और बात कर लो। है ना, नवरात्रि चल रहे हैं, क्या पता बाद में बुकिंग मिले या ना मिले। महेंद्र जी, चलिए हम आपको छोड़ देते हैं, आप भी थोड़ा आराम कर लीजिए, क्या कल से बहुत काम है। आइए। शादी नहीं हो सकती, हमें गहना से बात करनी पड़ेगी, पता करना पड़ेगा कि आखिर बात क्या है, गहना ने शादी के लिए हाँ क्यों बोली।
ये हार तुम पे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत जचेगा तुम पे। सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा है कि पता नहीं सारी रस्में पूरी कर पाएंगे या नहीं। कोशिश तो करेंगे। कोशिश? मैं हूं ना माँ, गहना की शादी धूमधाम से करेंगे। देखना आप, इसकी शादी का आउटफिट मैं खुद डिजाइन करूंगी अपने हाथों से, और सजा धजा के गहना को इस घर से विदा करूंगी। समझ नहीं आ रहा है क्या करें। कहना पड़ी मैम सबके साथ में, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। गहना से बात करनी पड़ेगी। हम नहीं जानते थे गहना कि तुम दूसरी शादी करने के लिए इतनी उतावली होगी। गौरव सुन लो हमारी बात, हम तुमसे अपने सारे रिश्ते तोड़ते हैं। रिश्ते तोड़ना चाहती हो तो फिर ये क्या है, नजरें क्यों चुरा रही हो हमसे? जब तुम जानती हो वंश सही इंसान नहीं है तो उससे शादी क्यों कर रही हो तुम? ऐसी क्या मजबूरी है गहना? गौरव सवाल संभाल कर बात करना। तुम जिसके बारे में बात करने जा रहे हो वो हमारे होने वाले पति है। वंश जी आप इसे हमें दे दीजिए, हम पहन लेंगे। इस अधूरे प्यार की पूरी कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।